भैया जी, सबसे पहले आपके चरणों में मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम स्वीकार कीजिए। अरे सुनीति जी, आज अकस्मात मेरे पास मेरे दरबार में आई हो। अगर कोई काम होता है तो तुम मुझे महलों में बुलवा लेती। पियाजी, काम ही कुछ ऐसा था जिसके लिए मुझे स्वयं चलकर आपके पास आना पड़ा है। ऐसा क्या जरूरी काम है? बहुत जरूरी काम है, और कहना भी चाहती हूँ लेकिन मेरे मुंह से बोल नहीं निकल पा रहा है। किन शब्दों में मैं आपको वो बात बताऊं जो बात मैं आपको बताने के लिए आई हूँ? तू मेरी रानी है, तू एक पतिव्रता औरत है, मेरी धर्म पत्नी है, और पति पत्नी पति से शर्माया नहीं करती। अगर कोई बात है तो निसंकोच मेरे सामने कह दे। कहना तो चाहती हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। हिम्मत नहीं हो रही? डर लग रहा है मुझे कि कहीं आप मेरी बात सुनकर गुस्सा ना हो जाओ, नाराज ना हो जाओ। डर लग रहा है? डर लग रहा है। मैं समझ रहा हूँ आप शर्माती हो। मैं शर्माती हूँ और मुझे डर भी लगता है आपसे। लेकिन आप डरिए मत, जो कुछ कहना चाहती हो रानी आप कहिए, हम जवाब देंगे। हिम्मत करके कह दूँ? कह दो। गुस्सा तो नहीं करोगे? अगर गुस्सा की कोई बात होगी तो मैं देखूंगा, लेकिन जो भी तेरे मन में है वो मेरे सामने कह दे। सुनिए मेरी बात। कुछ कहना तेरे ते तू मान रखिए, आई का। तो रानी डरे मत, मेरी बात सुन ले। कि मैं आई कुछ कहन तेरे ते मान राखी आई का। हाँ। तो सुन ले फिर। और तेरे दिल ते दूर नहीं, दिल तेरी ननद के भाई का। तेरे दिल ते दूर नहीं, दिल तेरी ननद के भाई का। Hello.
संबंध में फेरी से ये हो गया तेरा भेद पत्याना तुलसी करनी रेरी से दूजा ब्याह करवा ले सजन ये तेरी ब्याही कहरी से येरी ब्याह काज करे करे से ब्याह की मेरी उम्र कौन सी रेरी से भाई दूर नहीं दिल तेरी ना।